No. हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। वैसे अब तक आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो शादियों में हुए कांड के ऊपर होने वाला। शादी जिसे इंडिया में किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है, लेकिन ये शादी तब तक यादगार नहीं होता, या फिर ये कहे कि ये शादी में तब तक जान नहीं आता जब तक इसमें कुछ कांड ना हो जाए। तो वैसे ही कुछ कांड आज के हम इस वीडियो में देखने वाले, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। यार, शादी के दिन दूल्हों के नखरे ऑटोमेटिक सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि यहाँ दुल्हन दूल्हे को मिठाई खिला रही थी, पर दूल्हे राजा तो बिना मतलब का भाव खा रहे थे। तो और क्या, दूल्हे का सारा नखरा दूल्हा ने निकाल दी। पर इसके बाद तो जैसे मानो कि दोनों के बीच में World War III का जंग छिड़ गया, जो कि अगले 5 मिनट तक चलता रहा। शादियों में माला पहनाते वक्त दूल्हे का टोपी गिरना, दुल्हन का गिरना या फिर दूल्हे का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पर भाई साहब का तो पैंट ही गिर गया। अब उन लोगों की बारी आती है जिनकी शादी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर एक बार शादी हो गई तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और इसके बाद वो तो कुछ ऐसे नाचने लगते जैसे कि वो इस गोले के है ही नहीं। शादी में आई हुई कुछ लड़कियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगता है कि वो कैसा भी डांस करे तो सारे लोग उसको ही देखने लगेंगे। जैसे कि इन दीदी को ही देख लो। हर शादी में एक चीज कॉमन देखने को मिलता है, और वो है विदाई के पहले दुल्हन का सबसे मिल लेना। लेकिन ऐसे कौन मिलता है? ये बात तो सच है कि कुछ लोग शादी में पीकर आ जाते हैं और अपने आप को किसी और ही गोले का समझने लगते और अजीबोगरीब कांड करके चले जाते, पर यहाँ पर तो दूल्हा ही चढ़ा के रखा है और उसको ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो किससे रही है। वो तो दुल्हन के गले में माला डालने के जगह उसकी माँ के गले में डाल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, और वीडियो में मजा आया तो लाइक कर देना, और बहुत मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो में।